To the, uh, of और ये part 6 है में हम पढ़ेंगे कि ये जो है, इनके लिए क्या सलेक्शन रूल्स है तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या है, तो है? देखिए किसी भी आ, ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए एक तो ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए और एक एक्साइटेड एक स्टेट होनी चाहिए और जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आ, जब ये आ, जो आइटम है या कॉम्प्लेक्स है कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रो रेडिएशन ऑफ यू विजिबल रेंज जब ये एबज़ॉर्ब करेगा और ये जो एनर्जी गैप है वो कितनी है एच न्यू है तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा एक्साइट होगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यहाँ पर ये कुछ देर रहेगा और कुछ देर रहने के बाद लगभग टेन टू द पावर माइनस एट सेकेंड तक रहने के बाद ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और जब ये वापस आएगा देन इट कैन एमिट दी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो कलर्ड ये दिखाई देगा ओके तो ये है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर कन्वर्ट तो नहीं होगी यहाँ पर ये यह कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन उसका होगा तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है आपने देखा था कि पहले वो टी टू जी वन था और जब वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो वो ई जी वन हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो चेंज होता है और यही रेस्पॉन्सिबल होता है एबजॉर्बशन बैंड के लिए जो उसके स्पेक्ट्रा में हमें दिखाई देता है अब देखिए सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को गवर्न करते हैं उसको चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो इन सेलेक्शन रूल्स को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन और वो ट्रांजिशन जो कि इन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको नहीं ओबे करते हैं उनको कहते हैं फॉरबिडेंट ट्रांजिशन तो दो तरीके के ट्रांजिशन आप देखेंगे एक होते हैं अलाउड ट्रांजीशंस और एक होते हैं फॉरविडेंट ट्रांजीशन फॉरबीडेंट ट्रांजिशन कौन होंगे जो सेलेक्शन yeah, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनको ओबी नहीं करेंगे और अलाउड ट्रांजेक्शन्स जो कि फॉलो करेंगे तो जैसे आप इस यूनिट को पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो पॉसिबल हैं जो अलाउड है और ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि अलाउड नहीं है तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ओके okay? दो सेलेक्शन रूल्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए एक है स्पिन सेलेक्शन रूल बहुत आसान सा रूल है स्पिन सेलेक्शन रूल ओके okay. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल दैट अकर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी दे आर अलाउड ट्रांजिशन अदरवाइज दी अदर ट्रांजिशन आर फॉर तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वो ट्रांजिशन जो कि सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स के बीच में होती हैं जैसे देखिए यहाँ पर इस ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है थ्री और इस एक्साइटेड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है थ्री तो जब यहां से इस थ्री टी वन जी से थ्री टी टू जी ट्रांजेक्शन होगा तो ये कैसा ट्रांजिशन होगा ये कैसा ट्रांजिशन है अलाउड ट्रांजिशन और अगर इस ट्रांजिशन को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो थ्री टी वन जी से वन टी टू जी में होगा देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है वन एक्साइटेड स्टेट की और ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है थ्री तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो दो ट्रांजिशन की तो वो स्पिन फॉरबिडन होते हैं वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते और ऐसे ट्रांजिशन जो कि सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स के बीच में होते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं ये कैसे हैं ये allowed transition नहीं है These are forbidden transition. तो हम क्या क्या कह सकते हैं जो selection rule क्या कहता है वो कहता है है कि अगर delta S 0 है, तो स्पिन फॉरबीडन ट्रांजिशन होगा क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिसिटी का लेना देना किससे होता है एस से स्पिन से ओके तो अगर मल्टीप्लिसिटी थ्री है तो स्पिन कितनी रही होगी वन अगर मल्टीप्लीसिटी वन है तो स्पिन कितनी रही होगी जीरो तो इसका मतलब है कि एस में चेंज अगर हो रहा है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है और अगर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है स्पिन में तो इसका मतलब वो अलाउड ट्रांजिशन है आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अब आप पहले वाले कन्फिग्रेशन को देखिए टी टू जी वन है जहाँ पर कन्फिगरेशन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है टी टू जी में तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं एस देखूँ कैपिटल तो कितना होगा हाफ क्योंकि इसकी स्पिन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में और अगर इसकी स्पिन हाफ होगी तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी टू एस प्लस वन तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी बच्चों टू ओके okay. अगर मैं एक्साइटेड स्टेट को देखूं जहां पर कन्फिग्रेशन है ई जी वन तो आप देखिए अगेन स्पिन कितनी है हाफ क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है अनपेयर्ड ओके okay. और मल्टीप्लीसिटी कितनी होगी टू तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो प्लस हाफ से प्लस हाफ में हो रहा है यानी स्पिन चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा मल्टीप्लिसिटी भी चेंज नहीं होगी मतलब जो ट्रांजिशन है वो टू मल्टीप्लिसिटी से टू मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है इसलिए इस बच्चों देखिए D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं दिखाऊं आपको तो D5 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज होंगे ये कौन सी स्टेट होगी ग्राउंड स्टेट अब अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट आपको दिखाऊं तो इसकी दो एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है ओके okay? तो दो एक्साइटेड स्टेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन देखिए ट्रांसफर होगा जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो अब इन सबकी स्पिन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको ट्रांसफर होने के लिए इसकी स्पिन को तो पलटना ही पड़ेगा इसको जब ये पेयर होगा ऊपर जाके तो क्या होगा देखिए ये इलेक्ट्रॉन अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आया है इसको देखिए अब स्पिन चेंज करनी पड़ेगी ओके अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो इसको भी अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसको अप होना है तो दूसरे एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी देखिए ये देखिए तो अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी स्पिन क्या हो गई बदल गई जो कि पहले क्या थी अपवर्ड अपनी ऊपर जाके क्या हो गई डाउनवर्ड ओके अब आप ग्राउंड स्टेट को देखिए ग्राउंड स्टेट में पांच इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओके तो ये एस कितनी हो जाएगी फाइव बाई टू ओके तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी टू एस प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स ओके अब ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ओके okay? यहाँ पर देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वन टू एंड थ्री एक तो पेयर्ड हो गया तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है थ्री तो एस कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू ओके और मल्टीप्लेसिटी कितनी हो जाएगी ओके okay. अब आप देखिए यहाँ कितने जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है वन तो स्पिन कितनी होगी हाफ और मल्टीप्लेसिटी कितनी हो जाएगी टू तो आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है d5 में तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन बदल जा रही है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन बदलेगी तो आप देखेंगे कि s भी बदल जाएगी और मल्टीप्लेसिटी भी बदल जाएगी तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है या तो सिक्स से फोर में हो रहा है या सिक्स से टू में हो रहा है ओके या आप कह सकते हैं कि स्पिन जो है वो या तो फाइव बाई टू से थ्री बाई टू हो रहा है और या क्या हो रहा है हाफ में हो रहा है तो अगर आप देखें डेल्टा एस कितनी होगी तो यहाँ पर डेल्टा एस कितनी होगी कितनी होगी बताइए वन तो डेल्टा एस जीरो नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिसिटी इज चेंजिंग तो जब मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है तो इस तरीके के जो ट्रांजिशन होते हैं दे आर स्पिन फॉरबीटन ट्रांजिशन कैसे ट्रांजिशन होते हैं स्पिन फॉरबीटन स्पिन फॉरबीटन का मतलब है कि ये बहुत इंटेंस पीक नहीं होंगे हल्के पीक होंगे ओके और इनकी वजह से जो कलर होगा कॉम्प्लेक्स का कैसा होगा हल्का होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे मल्टीप्लिसिटी विल आल्सो चेंज तो इसका मतलब है कि जब एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम होना चाहिए तभी अलाउड ट्रांजिशन होगा अगर अनपेड नंबर चेंज हो गए तो फिर वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा वो कैसा होगा फॉर्बिडेंट ट्रांजिशन होगा इस फिगर से आप समझ जाएंगे कि जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो टू टी टू जी से टू ई जी हो रहा है तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है अगर मैं D5 को देखूं तो यहाँ पर ट्रांजिशन सिक्स ए वन जी से फोर टी वन जी है देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई तो ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है अगेन अगर ये ट्रांजिशन सिक्स ए वन जी से टू टी टू जी होता है तो ये अगेन फॉरबिडन है क्योंकि सिक्स मल्टीप्लिसिटी से टू मल्टीप्लिसिटी में ये चेंज हो रहा है तो ये कैसा है फॉर्ड ट्रांजिशन तो केवल D5 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दीजिए बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिशन है वो स्पिन अलाउड होता है एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं ताकि आपको और क्लियर हो जाए जैसे मैं आपको अगर डी सिक्स कन्फिग्रेशन बताऊँ ओके तो डी सिक्स कन्फिग्रेशन में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा वन टू थ्री फोर 5 एंड 6 ओके तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है चार तो s कितनी होगी 2 s कितनी हो जाएगी 2 तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 5 ओके okay? अब आप देखिए अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो देखिए कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये आप देख सकते हैं तो इस केस में आप क्या देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन इस क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्साइट होगा तो भी इसकी स्पिन इस कैसी होगी अपोजिट डायरेक्शन में तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पर भी एस कितना है दो है क्योंकि चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हैं तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी फाइव ओके okay? तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पर भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो एस इजिक्वल टू टू से एस इजिक्वल टू टू में हो रहा है सो दैट डेल्टा एस इक्वल टू जीरो इसलिए डेल्टा एस क्या हो गया जीरो हो गया तो अगर ये जीरो होगा तो ये कैसा ट्रांजिशन होगा अलाउड ट्रांजिशन कैसा ट्रांजिशन होगा अलाउड ट्रांजिशन तो केवल डी फाइव कन्फिग्रेशन ऐसा है जहाँ पर स्पिन फॉर बिडन होते हैं बाकी सारे कन्फिग्रेशन में क्या होते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होते हैं अब देखिए जो दूसरा जो सिलेक्शन रूल है वो है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल और लैपर्ड सिलेक्शन रूल और इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमें क्या देखना है जी और यू तो हम ये कहेंगे अगर हम मेटल ऑर्बिटल्स को देखें तो या तो वो जी होते हैं या वो यू होते हैं आपने देखा है मैंने डी ऑर्बिटल का शेप आपको पढ़ाया है तो अगर डी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल को देखें तो ये जी टाइप होते हैं जी टाइप मीन्स की जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन इनमें होता है और जब हम इस ऑर्बिटल में इन्वर्ट करते हैं तो फिर वेव का साइन चेंज नहीं होता जबकि पी और एफ ऑर्बिटल कैसे होते हैं यू टाइप इनके जो वेव फंक्शंस होते हैं वो यू टाइप होते हैं ओके okay? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है और इसके लिए जो लेपर्ड सेलेक्शन रूल क्या कहता है ये कहता है कि अगर ट्रांजिशन जी से जी में होंगे या यू से यू में होंगे तो वो फॉरबिडन होंगे अगर ट्रांजिशन यू से जी में होंगे तो वो कैसे होंगे अलाउ ट्रांजिशंस होंगे तो मैंने कहा कि जो एस ऑर्बिटल है और जो डी ऑर्बिटल है ये किस तरीके के ऑर्बिटल्स हैं जी टाइप और जो पी और एफ ऑर्बिटल है ये किस तरीके के ऑर्बिटल्स हैं यू टाइप अनजीडेड टाइप ओके तो हमने ये कहा कि जो ट्रांजिशंस जी से जी में होंगे जी से जी में जो ट्रांजिशन होगा मतलब एस से डी में वो ट्रांजिशन हो सकता है या डी से एस में हो सकता है और जो यू से यू होगा मतलब पी से एफ में हो रहा है अगर ट्रांजिशन तो ये ट्रांजिशन जो एस टू डी होगा ये लेपर्ड फॉर बी होगा ओके और जो जो यू से यू में होगा वो भी क्या होगा फॉर बी तो जो ट्रांजिशन जी टू यू होंगे या यू टू जी होंगे वो ट्रांजिशन कैसे होंगे स्पिन सॉरी लैपट अलाउड होंगे अब इस तरीके के ट्रांजिशन का एग्जाम्पल कहते कि जी अगर मैं कहूँ एस और यू कौन है पी तो अगर मैं कहूँ एस टू पी अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगा ओके अगर मैं कहूँ कि पी टू जी अगर मैं कहूँ कि पी टू डी जो ट्रांजिशन होगा वो भी कैसा होगा अलाउड होगा लेपर्ट अलाउड तो इस तरीके से हम लेपर्ट सेलेक्शन रूल को बता सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं देखिए एस का मतलब जी और एस का मतलब जी तो अगर कोई ट्रांजिशन एस से एस में हो रहा हो पी से पी में हो रहा हो डी से डी में हो रहा हो एफ़ से एफ में एस से डी में पी से एफ़ में तो ये सारे ट्रांजिशन क्या हैं फॉरपी लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन एस से पी में हो रहा है पी से डी में हो रहा है डी से एफ में हो रहा है तो ये ट्रांजिशंस कैसे हैं अलाउड ट्रांजेक्शन्स होते हैं ओके okay? तो लेपट सेलेक्शन रूल क्या कहता है कि अगर डेल्टा एल जीरो होगा तो वो लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा देखिए एस टू एस तो इसका एल भी जीरो है इसका एल भी जीरो है तो ये जीरो डेल्टा एल क्या हो रही है जीरो पी का जो है एल वन है और इस पी का भी वन है तो वन से वन में जब ट्रांजिशन होगा तो वो लेपर्ड फॉल बी होगा लेकिन अगर कोई ट्रांजिशन पी से डी में होगा पी का एल कितना है वन और डी का कितना है टू तो चेंज इन एल कितना होगा वन तो अगर वन या प्लस टू है तो वो प्लस माइनस टू तो वो क्या होंगे लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस होंगे और जो भी अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं जनरली उनकी जो पीक आती है वो इंटेंस आती है और जो जो नहीं होते हैं जो फॉर्बिटेंट ट्रांजिशंस होते हैं उनकी पीक कैसे आती है वीक आती है अब ये अगर आप देखेंगे तो हमेशा नहीं होगा कि अगर कोई फॉर्बिटन ट्रांजिशन है तो वो वीक होगा और जो अलाउड ट्रांजिशन है वो क्या होगा इंटेंस uh, होगा तो कई बार क्या है रिलैक्सेशन है सिलेक्शन रूल्स की ओके okay? तो जैसे हमें कई जगह पर रिलैक्सेशन मिलता है एज तो रिलैक्सेशन मिलता है कहीं नौकरी में जाते हैं जबकि हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं तो बट कई बार परसेंटेज का रिलैक्सेशन हो जाता है हमें तो उस रिलैक्सेशन वही रिलैक्सेशन यहाँ पर भी होता है सेलेक्शन रूल्स में ओके तो रिलैक्सेशन्स इन स्पिन सेलेक्शन रूल क्या है तो कई बार क्या होता है कि सेम मल्टीप्लिसिटी ना होने के बावजूद भी स्पिन में स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या होती है रिलैक्सेशन होती है और वो कैसे होती है देखिए अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक थ्री पी स्टेट थी और ये वन एस थी फ्री मेटल लाइन की तो इन दो इसकी इसकी जो मल्टीप्लिसिटी कितनी वन है इसकी कितनी है थ्री तो अगर हम देखें तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो वो अलाउड नहीं होगा लेकिन क्या होता है कि इसमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है कैसे होती है ये जो थ्री पी स्टेट है देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास थ्री पी स्टेट है ओके और मेरे पास एक है वन एस ठीक है तो थ्री पी का मतलब क्या है थ्री का मतलब मल्टीप्लिसिटी अगर तीन है इसका मतलब कैपिटल एस क्या रहा होगा वन रहा होगा और अगर पी स्टेट है तो इसका मतलब एल कितना रहा होगा वन रहा होगा तो इसकी जे वैल्यू कितनी पॉसिबल है देखिए इसकी वैल्यू कितनी मल्टीप्लिसिटी है तीन तो इसकी जे वैल्यू तीन पॉसिबल है वन प्लस वन टू एंड वन प्लस वन माइनस वन वन एंड जीरो थ्री पॉसिबल है तो अगर मैं कहूँ इसकी तीन स्टेट पॉसिबल हैं अब अगर जे के आधार पर अगर इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है तो इसकी थ्री वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या है थ्री पी जीरो थ्री पी वन एंड थ्री पी टू अकॉर्डिंग टू दे वैल्यू और दूसरी स्टेट मेरे पास क्या है एस अगर वन है सर तो इसके लिए एस कितना है देखिए अगर वन है तो एस का वैल्यू कितना है जीरो और अगर एस है तो एल की वैल्यू कितनी है जीरो तो जे की वैल्यू कितनी है जीरो तो जी जे की ए की वैल्यू और वो कितनी है जीरो तो यानी वन एस ए की इसकी पॉसिबिलिटी है वन एस जीरो ठीक है तो ये क्या होगा कि इसमें स्पिन इस ऑर्बिट अगर कपलिंग होती है तो फिर ये तीन स्टेट में स्प्लिट होगा अब आप देखिए कि ये इस, इस स्टेट्स को आप देखिए और इन स्टेट्स की यहाँ पर जैसे आपने थ्री पी जीरो देखा और वन एस जीरो इसमें आप ये देखिए जो जे वैल्यू यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है तो इस जे वैल्यू की वजह से ये क्या कर सकते हैं आपस में यहाँ पर मिक्स होते हैं और मिक्स होने से क्या होगा कि इस पर थोड़ा सा सिंगलेट करेक्टर आ जाएगा और इसमें कैसा करेक्टर आ जाएगा ट्रिपलेट करेक्टर Okay. तो आप देखिए जो कि पहले ट्रिपलेट था और सिंगलेट था ये जीरो दोनों में जीरो कॉमन है इस जे की वैल्यू की वजह से ये दोनों मिक्स हो सकती हैं और जब ये मिक्स होगी तो मिक्स होने से क्या होगा कि जो ट्रिपलेट स्टेट है उसमें थोड़ा सा सिंगलेट का गुण आ जाएगा और जो सिंगलेट है उसमें थोड़ा सा ट्रिपलेट का गुण आ जाएगा तो क्या हो जाएंगी ये एक सी हो जाएंगी तो ये मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी मिक्स टाइप की हो जाएगी तो इसलिए अब ट्रांजिशन क्या होगा आसान हो जाएगा तो ये अलग अलग मल्टीप्लिसिटी होने के बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही है जिससे आपको जे की वैल्यू मिल रही है और ये जे की वैल्यू इन दोनों की क्या है बराबर है तो ये बराबर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है जबकि मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होती है सो दिस इज द रिलैक्सेशन इन स्पिन सिलेक्शन रूल आप देख रहे हैं ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये रिलैक्सेशन है तो इस डायग्राम में मैंने आपको यही दिखाया है कि एक थ्री पी स्टेट है जब इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी तो देखिए थ्री पी जीरो एंड वन एस जीरो तो ये जो जीरो है ये जीरो की ये दोनों सेम है इसकी वजह से ये दोनों क्या होंगी मिक्स होंगी और इस ट्रिपलेट में सिंगलेट करेक्टर और इस सिंगलेट में ट्रिपलेट करेक्टर आएगा तो ये दोनों एक से हो जाएंगे तो फिर देन ट्रांजिशन बिकम ईजी अब अगर हम लेपर सेलेक्शन रूल को देखें तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन है तो इसमें एक पहला रिलैक्सेशन क्या है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर लोअरिंग uh, हो जाए उसकी सीमिट्री उसकी कम हो जाए तो फिर क्या होगा कि उसमें रिलैक्सेशन होता है लेपर्ट सिलेक्शन रूल का जैसे आप देखेंगे कि ऑक्टाहाट्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम उसकी बात ना करें जिसमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है हम किसकी बात करें टेट्राहीट्रल अरेंजमेंट की तो अगर हम एक टेट्रा अरेंजमेंट की बात करेंगे तो टेट्राहीट्रल अरेंजमेंट आपने देखा था कई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो वहाँ पर ट्रांजिशन मेटल में पी ऑर्बिटल भी होगा और डी ऑर्बिटल भी होगा तो p और d ऑर्बिटल में आपने देखा था क्योंकि ये कैसा है टेट्राहीट्रल सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है इसलिए हम g का यूज़ नहीं करते हैं ये सिमेट्री के बारे में बाद में पढ़ेंगे बट आप ये जान सकते हैं कि जो इसमें p और d ऑर्बिटल होते हैं उनकी सिमेट्री t2 होती है t2 g या t2 u नहीं होती है. जैसे कि आपने ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स में देखा था कि टी टू की सिमेट्री क्या होती है टी टू जी और पी की ऑक्टाहीट्रल में आप बाद में पढ़ेंगे वहां पर होती है टी टू टी वन यू तो टी टू यू तो क्या होता है कि ये दोनों में हम यू या जी का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये टेट्राहेड्रल एनवामेंट है तो इस वजह से दोनों की सीमेट्री क्या हो जाती है टी टू तो इसकी सीमिट्री भी टी टू है इसकी सीमेट्री भी टी टू है इसकी वजह से अब देखिए पी को हम क्या कहते हैं यू वैसे और डी को क्या कहते हैं जी लेकिन यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसकी वजह से क्या होगा पी और डी एक से हो जाएंगे क्योंकि इनकी सीमेट्री क्या है टी टू तो ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे अगर ये दोनों एक से होंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे तो पी में थोड़ा डी करेक्टर आ जाएगा और डी में थोड़ा पी करेक्टर आ जाएगा मिक्सिंग हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा ये प्योर यू नहीं रहेगा और ये प्योर जी नहीं रहेगा तो हम जानते हैं कि ट्रांजिशन जो जी से जी में होता है या यू से यू में होता है वो लेपर्ड फॉरबिडन होता है ओके okay? बट यहाँ पर क्या होगा पी और डी की मिक्सिंग हो जाएगी और ये जो मिक्सिंग है उस मिक्सिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे बिकम पार्शियली अलाउड बिकॉज बोथ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ जी एंड यू करेक्टर अब क्या होगा कि जो करेक्टरिस्टिक है जो जो पी और डी की जो करेक्टरिस्टिक है वो आप देखेंगे वो डिफरेंट उनमें अमाउंट आ गया यू और जी का ड्यू टू मिक्सिंग तो अगर यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन होगा ओके okay, तो पी में क्या होगा वो प्योरली पी नहीं है वो प्योरली यू करेक्टर नहीं है डी प्योरली जी नहीं है बट ये मिक्स्ड करेक्टर है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि पार्टली अलाउड ट्रांजिशनस होंगे ये क्योंकि मिक्सिंग हो रही है जी और यू करेक्टर की पहले आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझ लीजिए देखिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं ओके okay, तो ट्रांजिशन क्या होता है कि ये देखिए ये है मान लीजिए डी वन कन्फिग्रेशन है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है टी टू जी से ई जी सेट में तो अब आप क्या बता सकते हैं ये है ई जी और ये है टी टू जी ऑर्बिटल तो ये ऑर्बिटल किसका है डी का ये किसका है डी का तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर है डी से डी में डी कैसा होता है जी डी कैसा होता है जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जी से जी में हो रहे हैं इसलिए कैसे हैं फॉरबीटन ट्रांजिशन तो ऑल दी ट्रांजिशंस इन ऑक्टा हिटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर जी टू जी ट्रांजिशंस जी टू जी ट्रांजिशंस होते हैं इसलिए वो फॉरबीटन होते हैं लेपर्ड फॉरबीटन सारे के सारे ट्रांजिशन बट टेट्रा हिटल के केस में क्या होता है कि सीमिट्री क्या हो जाती है लोअर हो जाती है लोअर सीमिट्री के केस में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो पी और डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है एक्चुअली उनके बीच में मिक्सिंग हो जाती है क्योंकि दोनों की सीमिट्री कैसी होती है डी टू तो इस मिक्सिंग की वजह से जो डी है वो प्योरली जी करेक्टर का नहीं होता है ओके okay? तो इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग किसकी होती है यू की भी होती है और इसमें यू की मिक्सिंग हो जाती है खुद तो जी है तो इस मिक्सिंग की वजह से जो जो अलाउ जो ट्रांजिशंस फॉरबिडन थे वो पार्शियली क्या हो जाते हैं अलाउड हो जाते हैं क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स में तो इससे हम क्या कहते हैं रिलैक्सेशन दूसरा रिलैक्सेशन आप देखेंगे लेपर्ड सिलेक्शन रूल का कि अब हम दो आइसोमर अगर देखें सीसेंट्रांस आइसोमर अब हम बात कर रहे हैं किसकी ऑक्टा कॉम्प्लेक्स की तो अगर ऑक्टा के कॉम्प्लेक्स के केस में अगर हम सीस और ट्रांस आइसोमर्स इसमें देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रांस आइसोमर होगा उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ओके हाईली सिमेट्रिक है तो डी डी ट्रांजिशंस जो हैं वो प्रीडोमिनेट ट्रांजिशन होंगे ठीक है जहाँ पर हम कहेंगे कि सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो वहाँ पर तो लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी लेकिन अगर सिस आइसोमर को देखें जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि हम जी और यू को नहीं नाम दे सकते हैं क्योंकि कोई भी जी और यू प्योर नहीं होगा अगर जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होगी तो क्या होती है सिमिट्री लोअर हो जाती है और इस केस में क्या होता है रिलैक्सेशन होता है लेपर्ड सिलेक्शन रूल से तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं लेपर्ड सिलेक्शन uh, रूल की अभी यहाँ पर तो मैं ये कहूँ कि जहाँ पर भी सिमिट्री किसी भी मॉलिक्यूल की क्या हो जाए लो हो जाए यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर नो सेंटर ऑफ सिमिट्री हो तो इस केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ सिमिट्री अगर नहीं होगी तो डी और पी की या आप कह सकते हैं कि जी और यू की क्या हो जाती है मिक्सिंग हो जाती है तो लैक सेंटर ऑफ सिमेट्री जहां भी लैक होगा वहां पर क्या होगा पार्शियली अलाउड ट्रांजिशंस होंगे तो ये क्या है ये है लेपर्ड सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो या सिस ऑक्टाहीटल जोमेट्री हो तो दोनों ही के केस में क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है उसकी वजह से क्या होगा कि पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन हो जाएंगे यही रिलैक्सेशन है लेपर्ड सिलेक्शन रूल का तो हम ये कह सकते हैं कि लेपर्ड सिलेक्शन रूल का जो रिलैक्सेशन है वो है लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री की लैकिंग है तो इसका मतलब वहाँ पर लेपर्ड जो फॉरबिडन ट्रांजिशन हो सकते थे वो क्या हो गए पार्शियली अलाउड हो गए सेकेंड जो रीज़न है वो है वाइब्रेनिक कपलिंग का अगर हम देखें मॉलिक्यूल्स को तो वो डि जो वाइब्रेशनल मोशन में रहते हैं हमेशा मॉलिक्यूल ओके okay? और वो जनरली अपने लोएस्ट वाइब्रेशनल मोड में रहते हैं जिससे कि सिमिट्रिक रहे जो मॉलिक्यूल है और वो स्टेबल रहे okay? तो जनरली वाइब्रेशनल स्टेट जो है वो इग्नोर की जाती है लेपर्ड रोल में लेकिन अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें अब हमें क्या लेना पड़ेगा कि अगर मैं एक वाइब्रेशनल लेवल की बात करती हूँ ठीक है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्रांजिशन हो रहे हैं तो उस केस में क्या होंगे वाइब्रेशनल लेवल्स भी इन्वॉल्व होंगे केवल वाइब्रेशन की बात नहीं हो रही है वाइब्रेशनल स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स भी आएंगे तो अगर वहाँ पर कोई भी चेंज आता है तो वो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी अफेक्टेड होगा तो अगर हम देखें कि जो वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स के वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ क्या हो जाते हैं कपल हो जाते हैं जिससे कि जो फॉरविड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं वो पार्शियली अलाउड हो जाते हैं अब ये कपलिंग का मतलब क्या है तो ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग अब हमने कहा था देखिए कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर वो नहीं होगी तो तो उसमें अलाउड ट्रांजिशन होंगे बट समाइम्स क्या होता है ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस में सभी ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है वाइब्रोनिक कपलिंग होती है जबकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है तो वहाँ पर क्या होंगे जो लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे दे बिकम पार्शली अलाउड तो ये वाइब्रोनिक कपलिंग होती कैसे है जबकि उसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री है

will no longer be g to g to type. Hence, for molecules having center of symmetry and and undergoing such vibrations, the leopard selection rule is not applied and transitions become allowed to क्या होगा कि जो ऑक्टाइटल कॉम्पलेक्सेस है क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल मोशन होते रह रहे तो क्या होगा कि कभी तो वो सिमेट्रिकल होगा और कभी वो ए सिमेट्रिकल देखिये इस तरीके से उसमें वाइब्रेशनल मोड में चेंज होंगे तो आपको कैसा दिख रहा है ए सीमिट्रिकल दिखाई दे रहा है ए टाइप दिखाई दे रहा है तो आप देखिए कि ये अपनी सिमेट्री को खोता रहता है क्योंकि वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल के लेवल में चेंजेस होते रहते हैं तो अगर इस पोजीशन पर ये जैसी पोजीशन इसकी है यानी ए सीमेट्रिक टाइप का ये हो गया है वैसे हम कह रहे हैं कि जो ऑक्टाहीट्रा मॉलिक्यूल है सीमेट्रिक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें मिलती है होती है लेकिन उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होती है लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशंस वो उसकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री वो डिस्ट्रॉय होती रहती है समय के साथ तो एक ऐसी पोजीशन हो सकती है कि जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो ऑक्टाइटल में भी उस केस में अगर इस पोजीशन पर उसमें ट्रांजिशन होंगे तो अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं तो प्योरली जी टू जी टाइप ये नहीं रहेगा इसकी वजह से लेपर्ट अलाउड ट्रांजेक्शन जो फॉरबिडन थे वो क्या हो जाएंगे पार्शली अलाउड हो जाएंगे ओके तो इस तरीके से जो सिलेक्शन रूल्स हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन होता है इस लेक्चर में हमने पढ़ा बच्चों की सिलेक्शन रूल किसे कहते हैं सिलेक्शन रूल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को गवर्न करते हैं उनको चलाते हैं और जो ट्रांजिशन इनको फॉलो करते हैं वो अलाउड ट्रांजेक्शन होते हैं जो नहीं फॉलो करते वो फॉरविडन होते हैं और स्पिन सिलेक्शन रूल हमें बताता है कि अगर ट्रांजिशन सेम मल्टीप्लीसिटी की टर्म्स के बीच में होते हैं तो वो अलाउड होते हैं स्पिन अलाउड नहीं तो वो स्पिन फॉरविडन होते हैं तो आपको ये रिलेशनशिप ध्यान में रखनी है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो तो स्पिन अलाउड ट्रांजेक्शन अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेपर्ड सिलेक्शन रूल हमें क्या कहता है कि अगर ट्रांजिशंस जी टू जी होते हैं या यू टू यू होते हैं तो वो फॉरबिडन होते हैं लेकिन अगर ट्रांजिशंस यू टू जी या जी टू यू होते हैं तो वो अलाउड होते हैं डेल्टा एल अगर जीरो होगी तो लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे अगर एल प्लस वन माइनस वन या प्लस वन प्लस माइनस टू होगी तो लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस वो होंगे फिर इसके बाद पढ़े आपने रिलैक्सेशन की स्पिन सिलेक्शन रूल में भी रिलैक्सेशन है कि अगर जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होगी तो जे की वैल्यू के बेसिस पर ये जो स्टेट्स हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होती है वो मिक्स होके वो ट्रांजिशंस को क्या कर सकती हैं पार्शियली अलाउड कर सकती हैं फिर आपने देखा कि लेपर्ट जो सिलेक्शन रूल है उसको उसको गवर्न करने के लिए उसको रिलैक्स करने के लिए दो मेन जो फिनोमिना होते हैं मॉलिक्यूल्स में एक तो होता है लोअरिंग ऑफ सिमेट्री यानी किसी तरीके से अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री ना रहे मॉलिक्यूल में तो फिर वो पार्शियली अलाउड हो जाते हैं ट्रांजिशन तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ नहीं होती टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ओके और दूसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपने कहाँ पढ़ी सिस आइसोमर अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा सिस आइसोमर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो इन केस में क्या होगा कि लेपर्ड सिलेक्शन रूल से रिलैक्सेशन होगा दूसरा रिलैक्सेशन जो आपने पढ़ा लेपर्ड सिलेक्शन रूल का वो है वाइब्रोनिक कपलिंग और उस वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से जहाँ पर सेंटर ऑफ सीमिट्री थी ऑक्टा में उसमें जो है वो कभी कभी क्या होती है कि सेंटर ऑफ सीमिट्री डिस्ट्रॉय होती है अगर उस समय में ट्रांजिशन हो तो उस ट्रांजिशन क्योंकि वहाँ पर प्योर जी टू जी टाइप ट्रांजिशन नहीं होता है इसलिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है तो पार्शली अलाउड हो जाता है ट्रांजिशन और आपने देखा कि अगर ट्रांजिशन जो है वो जी टू जी यानी डी टू डी जनरली क्या होते हैं सारे ट्रांजिशन uh, मेटल्स में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वहाँ पर डी टू डी ट्रांजिशन होते हैं तो स्पिन अलाउड तो होते हैं डी फाइव को छोड़कर लेकिन लेपर्ड फॉरबिडन जनरली वो होते हैं अगर कहीं पर भी uh, थोड़ा आपको इंटेंस पीक दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन है उसकी वजह से वो पीक जो है वो वीक नहीं दिख रहा सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर दिस सेलेक्शन रूल्स क्योंकि सलेक्शन रूल्स हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अपने अपने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें एब्जॉपशन इस्पेक्ट्रा में क्या दिखाई देता है पीक दिखाई देता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सलेक्शन रूल्स यानी जो ट्रांजिशन है वो कौन से अलाउड होंगे और कौन से अलाउड नहीं होंगे उससे ही हम उसके इस्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट कर सकते हैं ओके सो थैंक यू वेरी मच